हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इसका जो लिटरेचर पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। 18वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके शुरू होने से आप कह सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड का निर्माण हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया था। सोशल भी, इकोनॉमिक भी, और काम करने का तरीका भी बदला था, क्योंकि इसके अभी शुरू होने से नई नई मशीनें आने लगी मार्केट में और उसकी वजह से बहुत कुछ बदला। और नई नई जो मशीनें हैं वो मार्केट में आने लगी, उनका निर्माण होने लगा और जो फैक्ट्रीज हैं उनकी भी ग्रोथ होने लगी, मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा होने लगा। लेकिन इससे बेरोजगारी भी बढ़ी। इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट था वो यही था कि इससे बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि जो भी पहले जो लेबर है वो काम करती थी उसकी जगह जो मशीनें हैं वो लेने लगी, और मशीनों की जगह लेने की वजह से जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ी। जो लेबर कास्ट है वो 12 घंटे काम करने के बावजूद भी उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था, तो उस वजह से उन लोगों में गुस्सा बढ़ा। तो फ्रेंड्स, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने सोशल इकोनॉमिक को तो बदला ही था इंग्लैंड में, पॉलिटिकल लेवल पर भी काफ़ी चेंज हुए इससे और लिटरेचर पर भी काफ़ी फर्क पड़ा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अभी भी जो भी कोई चीज़ नई ट्रेंड में आती है, आज की बात करें तो उसके बहुत ज़्यादा वीडियो बनने लग जाते हैं। बॉलीवुड में उसके ऊपर मूवी भी बनने लग जाती है, ठीक है। और जिस युग में जो चीज़ ट्रेंड में हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ, तो फ्रेंड्स वो अपनी छाप है वो छोड़ती है। तो ठीक वैसे ही जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक जो क्रांति हुई उसने अपना असर लिटरेचर पर भी छोड़ा, और बहुत सारे पोइट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया और इससे जो नेगेटिविटी आई समाज में उनके ऊपर भी ध्यान दिया और अपनी राइटिंग में इसको जगह भी दी। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा है अपने मिमेसिसिया में कि जो आर्ट का जो वर्क है वो रियल लाइफ से भी कनेक्ट होता है, यानी जो लिटरेचर की दुनिया है वो उस टाइम लाइफ में क्या चल रहा होता है रियल लाइफ में उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड होता है। लिटरेचर और जो रियल लाइफ है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो लिटरेचर है वो जो रियल लाइफ है उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। जिस तरह से जो चल रहा होता है ठीक उसी प्रकार लिटरेचर को भी क्रिएट किया जाता है, वही उसमें साहित्य में लिखा जाता है। और इसी वजह से आपको उस एरा के जो पॉलिटिकल और जो सोशल जो इश्यू हुए हैं उनका भी वर्णन आपको लिटरेचर में मिल ही जाता है। तो जब फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने इंग्लैंड का फेस तो बदल दिया था, यानी काफ़ी कुछ इंग्लैंड में बदल चुका था। तरक्की हुई थी इंग्लैंड की, नो डाउट, और स्टीम इंजन का भी विकास हुआ था उस दौरान। और मशीनों का जब निर्माण हुआ तो जो मैनुअल वर्क है जो कि मजदूर अपने हाथों से करते थे उसकी जगह ले ली थी टेक्नोलॉजी ने। तो काम तो है वो ज़्यादा मात्रा में जो प्रोडक्ट है उनका निर्माण होने लगा और जल्दी होने लगा, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ गई। जो पैसे वाले लोग थे वो और ज़्यादा पैसे वाले होते गए और जो गरीब मजदूर है वो और ज़्यादा गरीबी में फंसते गए इस वजह से। और जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर से यानी खेती बाड़ी से उद्योगों में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीनें आ गई थी तो सारा काम उन्हीं से होने लगा। फैक्ट्रियों का निर्माण हो गया था तो जो खेतीबाड़ी है उसमें कुछ, तो फ्रेंड्स जो सोसाइटी है वो खेतीबाड़ी से उद्योगों में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसका कारण ये था कि जो खेतीबाड़ी है वो 4 महीने चलती है, ठीक है।
तो जब जो मजदूर लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी में काम करते थे, उन्हें ये बोला गया इंग्लैंड में कि आपको 12 महीने के लिए काम मिल रहा है, जॉब मिल रही है, ठीक है। तो उन्होंने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया था और वो वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने लगे थे। लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था और खेती बाड़ी भी वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो काम वहाँ करते थे, उनकी ड्यूटी रहती थी। तो जो एग्रीकल्चर है वो पूरा उद्योगों में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो सोसाइटी है वो पूरी खेती बाड़ी से इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ में जो ट्रेडिशन वर्ल्ड है, यानी जो परंपरावादी जो संसार है, वो मॉडर्न वर्ल्ड में तब्दील हो गया था। और इसकी वजह से जो इंग्लैंड है वो लीडिंग कंट्री बन गया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमिक ग्रोथ में वो सारी कंट्रियों से आगे था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी पॉजिटिव बातें, लेकिन अब इससे कई नेगेटिव असर भी हुए थे, उनकी बात करते हैं। तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कई प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट किया। वो प्रॉब्लम थी, एक तो पोल्यूशन, लगातार उत्पाद बनाने की वजह से पोल्यूशन हुआ था, ठीक है। इन्वायरमेंट को डैमेज किया था इसने, वातावरण को अशुद्ध कर दिया था पूरे को, और सोसाइटी में गैप आ गया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो पैसे वाले लोग हैं वो और पैसे वाले होते गए, और जो मज़दूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो और ज़्यादा गरीब होते गए। और सोसाइटी में गैप आने की वजह से लोगों में एक दूसरे में लड़ाइयाँ भी होने लग गई। और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने अपनी लिटरेचर पर भी अपनी छाप छोड़ी थी, क्योंकि जब ये 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, अगर हम 17वीं सेंचुरी की लिटरेचर की बात करें तो वो मॉरल वैल्यू पर बेस्ड था। उसमें पॉलिटिक्स के ऊपर राइटिंग की जाती थी, रिलीजन, धार्मिक चीज़ों को महत्व दिया जाता था, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता था उसमें। यानी कि 17वीं सेंचुरी के लिटरेचर की बात करें तो उसमें ट्रेडिशन रूल फॉलो होते थे, परंपराएं हैं वो फॉलो होती थी, क्योंकि उस टाइम में ट्रेडिशन को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम डेवलप होता है, कंट्री डेवलप होती है, तो उसका असर हमारी सोच पर भी देखने को मिलता है। हम पहले से ज़्यादा मॉडर्न होते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ था 17वीं सेंचुरी के बाद में। 18वीं सेंचुरी में जब ये मशीनरी का निर्माण हुआ, तो जो इंग्लैंड है वो एक मॉडर्न कंट्री बन गया, और लोगों की सोच, राइटिंग, सब का तरीका भी बदला था उस टाइम। तो अब हम अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बाद में की लिटरेचर, 18वीं सेंचुरी की लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो उसकी जो मेजर थीम थी वो थी सोशल इश्यू। सोशल इश्यू इस वजह से था क्योंकि सोसाइटी में गैप बहुत ज़्यादा आ गया था, ठीक है। लोगों में ऊंच नीच यानी क्लासें बन गई थी अलग अलग, अपर लोअर, क्योंकि जो इकोनॉमिक वेल्थी थे, अच्छे पैसे थे, उनको अपर क्लास का दर्जा दे दिया गया था, और जो इकोनॉमिक मजबूत नहीं थे उन्हें लोअर मान लिया गया था, और वो है जो उनको नौकर की तरह ट्रीट करते थे, जो अपर क्लास वाले थे वो। तो जो भी राइटर्स थे उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया, और अपनी जो राइटिंग है उसमें, तभी तो जब हम 18 और 19 सेंचुरी का जब लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने मिडिल क्लास की लाइफ पर ज़्यादा लिखा, ठीक है। उन्होंने जो सत्तात्मक है उनको ठुकरा दिया, और जो मिडिल क्लास जो व्यक्ति है उसकी लाइफ पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उस टाइम वो ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। नेचर पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। नेचर पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि लगातार मशीन और फैक्ट्रियों की वजह से वहाँ पर पोल्यूशन हो गया था। तो राइटर्स जो पोइट थे उन्हें ये लगा कि जो ये ह्यूमन है वो नेचर से दूर होता जा रहा है, और उसे नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपनी राइटिंग में नेचर को बहुत ज़्यादा स्थान दिया था। टेक्नोलॉजी तो उस टाइम डेवलप हुई थी, तो टेक्नोलॉजी की तो चर्चा उस टाइम रहेगी लिटरेचर में। इमेजिनेशन इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा थी।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसने वहाँ हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ी थी 18th सेंचुरी में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।